नियमितीकरण और संविदाकरण के चलते प्रदेश के करीब 6,000 अतिथि विद्वान शिक्षक हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में आंदोलन के दूसरे दिन शिक्षकों ने कर प्रदर्शन भीख मांगी। अतिथि विद्वान एकता संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने अपने आंदोलन की शुरुआत की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने गृह नगर ग्वालियर से की है। अतिथि विद्वानों की मांग है कि शासकीय महाविद्यालयों में सेवाएं देने के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग उन्हें नियमित नहीं कर रहा है। ऐसे में उनके परिवारों को चलाने का संकट भी खड़ा हो गया है। इसके बाद अब भोपाल और दिल्ली में भी क्रमबद्ध आंदोलन की रणनीति बन रही है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत कृषकों को उनके ग्रामों में निशुल्क पौधे प्रदाय किए गए जाएंगे। इसमें तत्कालीन रूप से लोगों को लाभ होगा और दूरगामी कृषि से भी प्रदेश को जलवायु परिवर्तन जनिम उत्पादों से बचाने में मदद मिलेगी। आज अनुसंधान एवं विस्तार प्रखंड के अंतर्गत वन विस्तार इकाई खरगोन के द्वारा नर्सरी लाहौड़वी में एक किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।